दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रायल है, आज रेल इंजन का ट्रायल है। पटरी पर यह रेल इंजन दौड़ेगी और इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे के सीईओ मौके पर मौजूद हैं। तो आज कटरा बनिहाल के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रायल है और इस दौरान नॉर्दर्न रेलवे के सीईओ मौके पर मौजूद हैं। उत्तर रेलवे के मुताबिक चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के जरिए रामबन से रियासी तक ट्रेन सेवा शुरू हुई है और इसका आज ट्रायल है। कटरा बनिहाल के बीच रेल पुल का पुल पर यह ट्रायल है और रेल इंजन का ट्रायल है। पटरी पर दौड़ेगा यह रेल इंजन। नॉर्दर्न रेलवे के सीईओ मौके पर मौजूद हैं। तो आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल कटरा बनिहाल के बीच रेल पुल पर ट्रायल है और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, करणदीप। करणदीप, तो कटरा बनिहाल के बीच ये रेल पुल पर ट्रायल है, क्या तैयारियां की गई हैं और कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, इस समय हम दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर ही मौजूद हैं, यानी कि ये मेरे पीछे जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये ब्रिज आकार जो दिख रहा है, ब्रिज का आकार दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। और इस पल का जो है वो पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर निगाहें जो है वो पूरी दुनिया की इस समय तक बनी हुई है कि आखिरकार भारत के तमाम बहादुर इंजीनियर कब जो है वो इस ब्रिज को तैयार करके पूरे देशवासियों को सुपुर्द करेंगे। लेकिन वो समय जो है वो अब आ चुका है, कुछ ही मिनट के बाद जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से जो है वो जो ट्रेन का जो निरीक्षण जो कार जिसे डिब्बा कहा जाता है, इंजन कहा जाता है, वो जो है वो इस ब्रिज के ऊपर से जो है वो निकलेगा। सीईओ जो नॉर्दर्न रेलवे के हैं वो यहां पर जो है वो पिछले दो दिनों से यहीं पर ही जो है वो निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। आज जो है वो इंजन इस ब्रिज के ऊपर से दौड़ाया जाएगा। हालांकि आसपास के गांव के लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी है, लोग हजूम के साथ इकट्ठा हुए हैं और स्वागत करने के लिए जो है वो यहां पर एकत्र हुए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर जो है अपने सायरन के साथ कब वो जो है वो निरीक्षण जो ट्रेन का डिब्बा होगा वो गुजरेगा, इंजन का डिब्बा जो है वो गुजरेगा। हालांकि तैयारी यहां पर जो है पुरजोर तरीके से की जा चुकी है, सीआरपीएफ यहां पर तैनात है, सुरक्षाकर्मी खासतौर पर यहां पर तैनात है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि आतंकवादी जो है वो लगातार पाकिस्तान से सरहद पार करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश में होते हैं और इस तरीके की तरक्कियां कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपने आप में पचा नहीं पा रहा है, हजम नहीं कर पा रहा है। तो उसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ मौजूद है यहां पर, जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर मौजूद है, सीआईएसएफ के जवान यहां पर मौजूद है और रेलवे के तमाम अधिकारी यहां पर जो है वो सफल ट्रायल जो है वो रहे। और ये भी जो है वो रेलवे सूत्रों के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि आगामी जो अमरनाथ यात्रा है, हो सकता है कि अमरनाथ यात्रा भी जो है वो ट्रेन के जरिए ही कश्मीर घाटी तक पहुंचे। हालांकि जो है वो क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो काफी ज्यादा जो है लैंडस्लाइड होने के कारण रामबन के इलाके से हमेशा जो है वो सड़क मार्ग जो है बाधित रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना आए, ये एक रेलवे जो लिंक होगा, ये जो जरिया होगा कश्मीर घाटी तक पहुंचने के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए जो है वो सौगात ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है इस समय तक यही है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन बनाए गए इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को जो है वो तैयार करके अब आज इसके ऊपर से जो है ट्रेन का डिब्बा जो है वो गुजरने जा रहा है। यानी कि संगलदान रेलवे स्टेशन से बाया इस ब्रिज के ऊपर से होती हुई जो है वो ट्रेन के जो निरीक्षण डिब्बा है वो जो है वो रियासी रेलवे स्टेशन तक जो है वो पहुंचेगा। अब जो है माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालु भी कटरा से रियासी तक जो है बाया रोड आ सकते हैं, उसके बाद रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला तक का जो सफर है वो आराम से जो है वो ट्रेन के जरिए जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो है वो आज जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, यानी कि 30 जून तक जो है वो सकुशल तरीके से सुचारू तरीके से ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी तक रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला तक जो है वो चल सकती है और सैलानी जो भी कटरा माता वैष्णो
वैष्णो देवी जी के दरबार पर आते थे या अमरनाथ के यात्री हो, वो कहीं ना कहीं अब जो है वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में सुचारू तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। रेलवे की अगर बात करें तो सौगात पूरे देशवासियों को रेलवे ने दी है, क्योंकि आठवें अजूबे के तौर पर जो है वो इस ब्रिज को जो है माना जाता है, क्योंकि ये आकार जो दिख रहा है आपको, इसकी आकारशिला जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी इंजीनियर्स की मदद के साथ जो है वो बनाई गई है, और यहाँ पर विदेशी इंजीनियर्स भी लगातार इस समय मौजूद हैं, क्योंकि उनकी मदद के साथ दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल को दरिया चिनाब के 359 मीटर की हाइट के ऊपर जो है वो रियासी जिले के कोड़ी और बक्कल अंड में तैयार किया गया है। इस ब्रिज के साथ जो है वो बक्कल रेलवे स्टेशन है, और बक्कल रेलवे स्टेशन के बाद जो है सीधा रियासी रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, यानी कि संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच करीबन 3 रेलवे स्टेशन आते हैं। इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे लोगों को भी इसका फायदा जो है वो भरपूर मिलने जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो है वो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर ट्रेन चलना जो हो कहीं ना कहीं गर्व की बात है, पूरे देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा होता है, क्योंकि 2014 के बाद लगातार जो है वो दिन रात इस ब्रिज के ऊपर काम किया गया था। आज जो है वो तैयारियों को मुकम्मल किया जा चुका है। आज का दिन बेहद ही ज्यादा गौरवान्वित जो है वो पूरे देशवासियों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं साबित होगा, और नेटवर्क 18 की टीम जो है एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रही है दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल की। ये जो है वो ये पहले इलाके जो थे वो पहले आतंकवाद से ग्रस्त इलाके हुआ करते थे वैष्णवी, लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास दिख रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल इन जंगलों में जो है वो बनाया गया, यानी कि दुर्गम पहाड़ियों को चीर करके ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है, और पूरे भारत के लोग जो है वो भारतीय होने पर जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो पड़ोसी मुल्क नहीं चाहते हैं कि भारत इस तरीके की तरक्की कर पाए। हालांकि भारत ने तरक्की की है और ये तरक्की कहीं ना कहीं खलल जरूर रही है, लेकिन इसी बीच जो है वो पूरे भारतवासी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना कंप्लीट होने के बाद जो है वो ये कनेक्टिविटी जुड़ेगी। जो कोई भारत का नागरिक जो है वो कश्मीर घाटी तक जाना चाहता है, चाहे वो कन्याकुमारी से ट्रेन में सफर करके जो है कश्मीर तक आराम से जा सकता है। लेकिन अब कुछ ही मिनट बाकी है, कुछ ही समय बाकी है जब इस ब्रिज के ऊपर से जो हो ट्रेन गुजरेगी। हालांकि रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, और साथ ही सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटित हो, सकुशल ट्रायल जो है वो हो पाए। जी जी करणदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।